वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। नमस्कार, सलाम दोस्तों, आप सब कैसे हैं भाइयों? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। भाइयों, जैसे हम अभी सब जानते हैं कि दिल्ली में मुखर्जी नगर में अभी एक इंसिडेंट हुआ है कि एक बुज़ुर्ग को और एक बच्चे को पुलिस वालों ने बेरहमी से पीटा है और वीडियोज़ काफ़ी वायरल हो रही हैं उसकी और उसकी। अच्छा, मैं इस बारे में खैर बात नहीं करना चाहता था क्योंकि मेरा टारगेट यूट्यूब पे कुछ और है। मेरा टारगेट नफ़रत फैलाने का बिल्कुल भी नहीं है, खास करके कि मैं कुछ ऐसे तथ्य पेश करूं कि जिससे आपसी मन मुटाव हो। लेकिन अभी एक हैं बॉलीवुड की एक भूली बिसरी अभिनेत्री पायल रोहतगी जी, उनका अभी एक मैंने वीडियो देख रहा था तो वो ये कह रहे थे कि किसी भी इंसान, कोई भी इंसान, मतलब कोई भी भारत देश का वासी भारत के संविधान से ऊपर नहीं है। तो मैडम, मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि संविधान के अंदर पुलिस वाले भी आते हैं। पुलिस वालों के लिए कोई अलग संविधान नहीं है या मेरे लिए अलग संविधान नहीं बना हुआ, ठीक है? जो संविधान की पालना करना सिर्फ मुस्लिम और सिखों का अधिकार नहीं है, उसको सब सबको पालना करनी चाहिए उसकी। तो पायल रोहतगी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरा इंसिडेंट ये है कि मैं बोलूंगा तो आप झूठा महसूस करेंगे। क्या नाम है और क्या उस लड़के का नाम है, क्या पूरा मामला रहा है? सर, मेरा नाम गगन कपूर है। वो गाड़ी मेरी ही थी जो मेरी गाड़ी चला रहे थे। एक्चुअली हुआ क्या कि यहाँ पे छोटे सा किसी और के साथ गाड़ी लग गई उनकी, तो यहाँ पे पास में थाना मुखर्जी नगर, उन्होंने वहां से पुलिस वाले आए, उन्होंने 500 रुपए की मांग की। उन्होंने कहा हम 500 रुपए क्यों दें जब हमारी एंट्रियां भी जाती हैं यहाँ पे हर गाड़ी की। तो उस चक्कर में पुलिस वालों ने उन पे मारना चालू कर दिया। आपस में उन दोनों की लड़ाई हुई, अंदर से और पुलिस वाले आए, उनका एक छोटा सा बेटा था उनके साथ, उस पे उन्होंने पिस्टल रख दी। पिस्टल रखने के बाद उनको इतना पीटा है, मार मार के अंदर लगे और अभी मेडिकल लेके गए। अब चार पाँच बजे की घटना है और अब मेडिकल लेके जाने दिल्ली पुलिस वाले। सर, वो खड़े नहीं हो पा रहे, अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पा रहे उस टाइम पे, इतना देख लिया हमने। किस तरह का रोष है जिस तरह से लोगों ने मार सर। तो भाइयों, अभी जैसे आपने देखा उस बंदे ने क्या बात बताई, ये उसकी खुद की गाड़ी थी, क्या इंसिडेंट हुआ पूरा। तो मैं बताना चाहता हूँ पायल रोहतगी जी को कि वो एक एजेंडे पे काम कर रही हैं, ठीक है, और उनके उनको खूब अच्छे पैसे मिल रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो देश के हर एक कोने पे सिर्फ माइनॉरिटी पे हमला होता है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो। तो आपके हिसाब से, अभी आपने पिछली वीडियो में कहा था कि ये बंद हो जाए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इंडिया से या इंडिया के संविधान से तो आप एक पिटीशन दाखिल करें ना, या आपको सिर्फ बोलना ही आता है? अगर आप अच्छा काम नहीं कर सकती तो बुरा काम भी मत करिए। मैं मानता हूं कि बंदे में फ्रस्ट्रेशन होती है, उसको काम नहीं मिलता, तो पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप वीडियो बना बना के आपसी खटास पैदा करेंगे लोगों के अंदर। तथ्य आपको पता है नहीं कुछ भी, संविधान के अंदर ये होना चाहिए, कोई भी इंसान बड़ा नहीं होता। तो मैडम, संविधान के अंदर तो पुलिस वाले भी आते हैं, संविधान के अंदर तो नेता भी आते हैं, संविधान के अंदर तो IPS भी आते हैं, संविधान के अंदर आम नागरिक भी आता है। तो उन्होंने अगर संविधान के उलट जाके उस बच्चे को घसीटा और एक एक बुजुर्ग को 10-10 पुलिस वाले मार रहे हैं, ये संविधान में लिखा हुआ है कहीं पे? बताया ना, ऐसा कोई आर्टिकल है? जरा मैं भी पढ़ूं, देखूं जरा हमारे देश के संविधान में ये लिखा हुआ है कि एक बुजुर्ग को सरेआम 10-10 लोग, 15-15 लोग मिलके पीटते हैं, ये हमारे संविधान के अंदर दर्ज है? बिना तथ्यों के बात करना मेरे हिसाब से बेवकूफी होती है। और बाकी आपका जो एजेंडा है वो आपकी वीडियो से साफ साफ क्लियर हो रहा है। मैं काफ़ी दिन से आपकी वीडियोस देख रहा हूं और उसमें साफ साफ क्लियर है कि आप लोग क्या चाहते हैं, आप क्या करना चाहती हैं देश में, आपके हिसाब से देश कैसा होना चाहिए। पर वो मैडम हो नहीं पाएगा, ये एक लोकतंत्र है, यहाँ पे सबको रहने का, जीने का, अपनी बात रखने का पूरा पूरा अधिकार है। और बाकी की जो वीडियो अपडेट्स हैं दोस्तों, वो मैं आपको देता रहूँगा। हो सके तो ये मेरा वीडियो श्रीमती पायल रोहतगी जी तक पहुंचा दिया जाए। और बाकी दोस्तों, सब लोग जानते हैं क्या सही है क्या गलत है, सब लोग समझदार हैं, अपने कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन बता सकते हैं। वंदे मातरम, सत श्री अकाल, नमस्कार, खुदा हाफिज़।